झूठ मत बोलो। खुफिया मीटिंग, खुफिया दरवाजे के पीछे। हाँ, तेरी ये खुफिया मीटिंग झूठी साबित हुई ना तो मेरी गर्दन, मेरी गर्दन हाजिर है। तो चल तो सही मेरे साथ, उठ उठ चल। राजू को हमारे मिशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सबसे पहले हमें राजू के बारे में कुछ सोचना होगा। ओ मल्लिका, उसकी फिक्र तुम मत करो। अरे उस बेवकूफ को कितनी बार मैंने मार दिया, आज तक उसे पता चला है कि जिस नकली फैमिली को वो इस घर में लाने का दावा कर रहा है वो नकली फैमिली यानी कि हमारी ये ठग फैमिली एक्चुअली में असली है। क्यों बेटा, सबके चेहरे का रंग लाल पीला नीला क्यों पड़ गया? ओ माँ, अब ये कहावत नहीं रहेगी, दाल में कुछ काला, अब कहावत होगी कॉफी में कुछ काला। और भाई तू कहाँ, राजा भोज कहाँ, गंगू तेली, सबकी खुल गई पोल क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ा खिलाड़ी। क्यों बंटी और बबली, ये मल्लिका, मल्लिकाए ठग फैमिली, तुल्लिकाए ठग फैमिली, पूर्वा तुझे छोड़कर ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन तुम सब भूल गए बेटो कि मैं तुम सबका बाप हूं, और जब तक मैं इसके साथ हूं मेरे दोस्त तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? वाह पूर्वा, क्या दोस्त है तेरा। हाँ लेकिन इसमें दिमाग थोड़ा सा कम है। अच्छा मतलब ये है तुम्हारा वो रात 12 बजे का कॉमेडी सर्कस वाला शो। मतलब ये सब तुम मुझे दिखाने के लिए जानबूझकर कर रहे थे। और राजू बाबू तुम्हारे देखो क्या लाया है, एक गंगू तेली की तरफ से एक राजा भोज को गिफ्ट। देखो बाकी वाला क्या की बालो देख के काला मकरा। राजू अब तो तुम बक्का मन से लग रहा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया बोला। राजू आज सुबह तूने इनकी क्लास ले ली, रात को इन्होंने तेरा स्कूल लगा दिया। तो मामला पिटोस, सेकंड करो पैच अप और सो जाओ। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो राजू हम भी मजाक मस्ती अभी भूल जाता है। तुम तो हमारा भाई है। अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे, ये मत भूलो कि तुम लोग कहां से आए हो। अरे मैं उठा के लाया हूं तुम लोगों को रास्ते से यहां पर। मेरी बात ध्यान में रखना कि अगर मैं ये नकली फैमिली बना सकता हूं ना तो ये नकली फैमिली मिटा भी सकता हूं, समझे? यार राजू मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। हो देखो मुझे खेलने पे मजबूर मत करो वरना तुम लोग वापस बंजारों का खेल खेल रहे होगे। तू रस्सी पे चल रही होगी और मां नीचे से बोल रही होगी चल चल रस्सी पे चल, और ये परेश और पंकज बंदर की तरह गुलाटियां मारते फिरोगे, और ये प्रीति और पल्लवी रास्ते में नाच नाच के पैसे इकट्ठे करोगे, समझे? मां मां आप इतना गुस्सा मत करो। ये राजू समझता क्या है अपने आप को? हाँ क्या समझता है? हाँ कुछ भी हो हम लोग का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ा। हाँ मुझसे कह रहा था कि स्टेज पर नहीं मैं सड़कों पर नाचूंगी, और हमें भी बंदर की भांति गुलाटी खिलवा रहा था, ये तो हमारे लिए घोर अपमान की बात है। माँ के गुस्से में आने वाली आवाज सा इन सबसे कहिए राजू जी ने हमारे दिल को बहुत चोट पहुँचाई है। हाँ। भाई लोग अब खेल सच में होगा, अब हम सब बंजारे मिलके उस राजू को सर्कस दिखाएंगे। पहले तो यहां दरवाजा खुला था। दरवाजा सा तुमसे कहिए। हाँ क्या काम है?
आंखों के बीच लगे टीके से? राजू जी से कहिए। देखो अभी कुछ कहने के लिए बचा है? नकली बाल सा, इनसे कहिए हम सबकी तरफ से इनसे माफी मांगने आए हैं। है? माफी? थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। जुड़े हुए हादसा, इनसे कहिए कि इतना गुस्सा ना करें। हम जानते हैं हमने गलत बर्ताव किया है, इसलिए हम सबकी तरफ से आपसे माफी मांगने आए हैं। और पता है माँ ने तो स्वाद होटल में फोन करके नाश्ते में आपकी पसंद के मूली के पराठे मंगवाए हैं। मूली के पराठे? नहीं चाहिए। अब मस्का मारने का कोई फायदा नहीं है, पहले धमकी देते हो और अब मस्का मारते हो। इनके गुस्से सा, इनसे कहिए कोई बात नहीं, वैसे भी परेश जी मूली के पराठे खाने की बड़ी जिद कर रहे थे और होटल में तो एक ही प्लेट बची थी, तो परेश ही खा लेंगे। नहीं, मजाक कर रहा था, मूली के पराठे पर तो सिर्फ और सिर्फ राजू हैंडसम का हक है। नकली बालों के नीचे छुपे असली बाल सा, राजू जी से पूछिए कि अगर उन्होंने हमें माफ कर दिया तो हम यहाँ से जाएं? जी। मूली के पराठे? अरे माँ, क्या हुआ, कुछ टेंशन है? हम क्या बोले माँ जी, तुम बोलो ना। मैं नहीं बता सकती, तू ही बता दे। अरे माँ जी, हमें सब कैसा बताएगा, तुम बड़ा है तुम बोलो। अच्छा मत बताओ, मुझे बहुत काम है। नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ, मतलब बताती हूँ, लेकिन तू नाराज तो नहीं होगा ना? क्यों क्यों ओके, बताती हूँ। अपुन, हमें पता चला है कि बात ऐसी है कि अरे क्या था अपुरु, हम बता रहा है अपुरु, किंतु ये बात सुनने के पहले तुम अपना कलेजा मजबूत कर लो, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसा है। एक्चुअली वो बात ये है कि तुमको मालूम है हमारे घर में रोज खाना स्वाद होटल से ही क्यों आता है? हाँ, क्योंकि होटल घर के नजदीक है, अच्छी है और घर जैसा खाना मिलता है। हाँ वो तो है अपुरु, एक कारण और भी है। क्या? वो ये है कि वो स्वाद होटल का जो मालिक है ना, वो हर महीने राजू को 5,000 रुपया कमीशन में देता है। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने भी यही कहा। क्या कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है? नहीं, मैंने भी यही कहा कि राजू ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन परेश ने जब मुझे सबूत दिया तो मैं दंग रह गई। कैसा सबूत? बात यह है कि हम आज राजू को फोन में बात करता हूँ, सुना कि आज मूली के पराठे का दिन है, बोलना नहीं याद से भेज देना, ऐसा वो बोला। तो मूली के पराठे मंगवाए, इसका मतलब वो कमीशन का था? हाँ बोलो। हम पिछला 4 महीना से ये बात नोटिस करता है कि हर महीना की 5 तारीख को राजू ऐसा स्वाद होटल में फोन करता है कि आज 5 तारीख है, मूली का पराठा भेजो, मूली का पराठा भेजो। और आज तो पता है वो फोन में क्या बोला है कि 5,000 मूली का पराठा भेजो। 5,000 मूली के पराठे? अरे हाँ वही तो, 5,000 मूली के पराठे, वो भी एक दिन के नाश्ते के लिए। कुछ समझ में आया? ये मूली के पराठे उसका कोड वर्ड है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है माँ, सॉरी। अरे अपूर्व, यकीन तो हमको भी नहीं है, हमको भी डाउट ही है। तो हम क्या बोलता है कि आज जब मूली का पराठा आएगा नाश्ता के टेबल में, तो तुम खुद ही चेक कर लेना। देखो अपूर्व, तुम परेशान मत होना, हा? अगर इस मामले में हम सब गलत साबित हुए ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। चलो परेश, चलो। हाँ हाँ हाँ, संदन जी, क्या नाश्ता है? इडली उपमा, वाह वाह भी वाह जी। माँ क्या इडली बनाई है, एकदम मजा आ गया। माँ आपने वो मूली के पराठे बनाए कहाँ पे रखे? वो अरे यही कहीं होंगे, कहाँ गया वो डिब्बा?
अभी तो इधर ही पड़ा था। अरे माँ वो तो पिताजी के पास है। पिताजी वो मूली के पराठे का डिब्बा जरा देना तो। हरगिज नहीं, ये मूली के पराठे सिर्फ हम खाएंगे। पिताजी प्लीज दीजिए ना, हमें भी खाने हैं। नहीं नहीं, आप लोग इडली खाइए, उपमा खाइए, मूली के पराठे सिर्फ हम खाएंगे। पिताजी वैसे भी आप जब मूली का पराठा खाता है तो आपको कैसा खाता खाता डकार आने लग जाता है। बेटा डकार खट्टे आए या मीठे, मूली के पराठे सिर्फ हम खाएंगे। अरे संदीप जी आप भी क्या बच्चों की तरह जिद करने लगे, पूरा डब्बा थोड़ी ना आप खाने वाले, एक आध पराठा दे दो ना बच्चों को। प्लीज। नहीं समझी जी, दामिनी के बनाए हुए मूली के पराठे सिर्फ हम खाएंगे, हम किसी के साथ नहीं बांटेंगे। कमाल है आप भी है ना, बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ गए। अब आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चा ही हो जाता है, इसे हमारी बाल हट समझ के हमें माफ कर दीजिए। अरे डबल के कहाँ जा रहे, नाश्ता कीजिए ना हमारे साथ। हाँ। नहीं बेटा, आज सब लोगों की नजर हमारे मूली के पराठों पर है, इसलिए हम नाश्ता अपने कमरे में जाके करेंगे। समझी जी हमें क्षमा कर देना। अरे आपने ये ठीक है सदन जी, कोई बात नहीं। तू स्वाद होटल के मालिक से कमीशन खाता है। ए, मैं सिर्फ स्वाद होटल का खाना खाता हूँ, कोई कमीशन नहीं खाता। एक मिनट, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। देख ये मेरे खिलाफ उनकी साजिश है, तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू मेरी फैमिली को ब्लेम कर रहा है। जादू करने मूली के परांठे खाऊंगा। पूर्वा एक बात बता, तू सचमुच खाता है ये मूली का पराठे? हाँ खाता हूँ हर महीने। अरे मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं, महीने में दिल करता है दो तीन बार खाऊं। अच्छा दो तीन बार? हाँ कभी कभी तो दिल करता है काश ये मुझे खाने के लिए रोज मिल जाए। तू रोज खाना चाहता है ये मूली के पराठे? तो क्या हुआ, मतलब मेरा दोस्त होने के बावजूद तू ऐसी हरकत करना चाहता है? कमाल कर रहा यार, दोस्ती अपनी जगह, मूली के पराठे अपनी जगह। देख तू दोनों को मिक्स मत कर। नहीं एक मिनट मैं अगर तुझे मना करूंगा फिर भी तू ये मूली के पराठे खाएगा? ऑफ कोर्स। अरे ये तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और तू इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बहस क्यों कर रहा है? ये छोटी सी बात लगती है तुझे? अरे हाँ यार, देख सुबह मेरा दिमाग मत खा, मुझे बस मूली के पराठे खाने दे। एक मिनट मैं तुझे ये खाने नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसे मत कर, प्लीज देख 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 यार ये मूली के पराठे ऐसे मत जा कर अपनी जगह। अरे इसमें पैसे कहां से आए? रंगे हाथ पकड़ा गया। इसमें पैसे कहां से आए बेटा? अरे हम कोई होली होली खेल रहे हैं जो रंगे हाथ पकड़ा गया? तुम मजाक सोच रहा है? ये मजाक सोच रहा है? मैं सब जानता हूँ, ये मूली के पराठे तेरा कोडवर्ड है। कोडवर्ड? पागल हो गया तू, ये कौन कौन सी फिल्मी बातें कर रहा तू? अच्छा तू सुनना चाहता है मेरे मुंह से? तो सुन, तू स्वाद होटल के मालिक से कमीशन खाता है। मैं सिर्फ स्वाद होटल का खाना खाता हूँ, कोई कमीशन नहीं खाता। ये तुझे फैमिली वालों ने बताया ना? देख ये मेरे खिलाफ उनकी साजिश है, तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू मेरी फैमिली को ब्लेम कर रहा है? समझने की कोशिश। मैं मुझे जो समझना था वो मैं सब समझ चुका हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं ऐसे समझाती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये तेरी पहली गलती है इसीलिए मैं माफ कर रहा हूँ राजू। अगर तूने आइंदा ऐसी गलती की ना तो घर से मार मार के निकालूंगा मैं। चीटिंग करता है और आप भी आ गई, जल्दी पे नमक लगा ले। क्या राजू तू भी, कल हमने तुझे थोड़ा सा भला बुरा कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मन में तेरे लिए नफरत है, बिल्कुल नहीं है। रहने दीजिए आप, मैं सब जानता हूँ। कुछ नहीं जानता है तू, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे साथ ये भद्दा मजाक परेश ने किया है। परेश ने? हाँ परेश ने, उसी ने डिब्बे में पैसे रखे थे और अपूर्वा के कान भी भरे थे। जैसे मुझे और पंकज को इस बात का पता चला हमने उसे बहुत डांटा। देख राजू तू अपूर्वा का दोस्त है, इसी नाते तू उस परिवार का हिस्सा हुआ, तो परिवार वालों के साथ कोई ऐसा करे कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मैं उस परेश को छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, वो भी बहुत शर्मिंदा है, तेरे लिए मिठाई लेने गया है। मिठाई? अरे माफी मांगने को खाली हाथ थोड़े आ सकता है वो, और मुझसे माफी मांगेगा? अरे मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा, और नहीं मांगेगा तो मैं हूँ ना। देख राजू, अपूर्व को मैं समझा दूंगी, उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगी बस। लेकिन मेरी ना एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब परेश मिठाई का डिब्बा लेकर आएगा ना, तो उसमें ना गुलाब जामुन भी होंगे, तो प्लीज मेरे लिए एक गुलाब जामुन ले लेना। अरे माँ, एक गुलाब जामुन क्या, तुम्हारे लिए मैं उससे तीन तीन डिब्बे लेके रखूंगा। क्या बात करता है, थैंक यू। ओके। देख शब्बो, जो हो गया सो हो गया, अब देख मैं तो देख मैं तेरे बाप के भी मतलब तुम्हारे पिताजी के पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ। शब्बो जल्दी करो, अपूर्व आने वाला है, प्लीज मान जाना शब्बो, प्लीज शब्बो। ए राजू भाई, ए इतना क्या बुरा मान लिया, सीधा भाई बोल दिया। इधर हेलो शब्बो, कट के क्या है? राजू भाई, हम जानता है कि तुम हमसे बहुत नाराज है, परेशान भी तो हम तुमको कितना किया है, हमको तो ये शक्ल लेके तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहिए था, हमारे ऐसा घटिया आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजू भाई, अनुज परेश को क्षमा कर दीजिए, ये नासमझ है, इनसे त्रुटि हो गई, भूल जाइए। देखिए ना, परेश भाई आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे एक नहीं तीन तीन बॉक्स मिठाई चाहिए। तीन क्या, हम तो तुमको 30 डब्बा मिठाई का ला के दे देगा, किंतु तुम जब तक हमको माफ नहीं करेगा ना, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कि इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वो मूली के पराठे का। पंकज परेश, तुम लोग ये राजू को ना उसका कमीशन दे देना, वरना ये मेरे लिए गुलाब जामुन ऑर्डर नहीं करेगा। अपूर्व, तुम यही खड़े हो, मैंने फिर से भगा मार दिया। रश्मि जल्दी खाना लाओ भाई। शर्मा जी, ये करेगा। अपूर्व, तुम यही खड़े हो, सॉरी हाँ, मैंने फिर से भगा मार दिया। तुम भूल जाओ भूल जाओ, मैं जो कुछ भी कमीशन के बारे में बोली ना, वो तुम भूल जाओ। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, एक मिनट। ये सब क्या है? अच्छा हाँ? ये सब क्या है, ये जानता नहीं तू क्या है, किस चीज का कमीशन ले रहा है तू? अरे मैं कोई कमीशन नहीं ले रहा हूँ मेरे बाप को, समझ तो समझा ना मुझे कि मिठाई के डिब्बे में ये पैसे कहाँ से आए। मुझे क्या पता, मुझे डिब्बा इन्होंने दिया, इनसे पूछ। पंकज परेश, ये क्या है सब? अपूर्व भैया, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ ही उछलेगा ना, कुछ बातें गुप्त रहें तो अच्छा है, सबकी भलाई उसी में है। अरे मेरे भाई, साफ साफ बताओ ना, तुम दोनों ये पैसे राजू को क्यों दे रहे थे? अब बता ही देता है, क्या क्या छुपाएगा अपूर्व से हम? अपूर्व एक्चुअली बात यही है कि देखो, ये राजू ने हमारा नकली फैमिली का कास्टिंग किया है ना, तो ये तो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो वो कास्टिंग करने के बदले में तुम जो हमको पेमेंट देता है ना मंथली, उसमें से ये हर महीना हमसे कमीशन लेता है 20% सबसे। पहला तो ये हमसे 30% चार्ज करता था, किंतु जब से तुमने ये फैमिली को असली बना दिया ना, तब से इसने 10% का डिस्काउंट कर दिया। ये कमीना झूठ बोल रहा है। अरे हम झूठ बोलता है, और एक पैसा ये देखता नहीं है, एक सबूत है अपूर्व, देखो तुम्हारे हाथ में है डब्बा, गेट आउट, निकल यहां से। अरे अपूर्व तो समझ, ये सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ गेट आउट। नहीं अपूर्व नहीं, वो भले ही हमें ब्लैकमेल करता रहे, भले ही कमीशन खाता रहे, लेकिन इसे इस तरह से घर से मत निकालो। अरे इसे तो मार मार के निकालना चाहिए, दोस्त इसलिए लिहाज करो, गेट आउट। अपूर्व,
देख मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब अंकल समधी जी को प्रवचन के लिए बुलाएंगे तो क्या करेगा? ए, तुम उसका चिंता मत करो। वैसे भी अपूर्व वो गाना जो था वो तो प्रीति भाभी सेलेक्ट करता था और उसका आध्यात्मिक अर्थ वो तो पंकज दादा लिख के देता था। इसका उसमें क्या काम था प्रवचन में? तुम रहने दो, हमारा पंकज दादा तुमसे अच्छा प्रवचन कर लेगा, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, जाओ। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम लोग, अरे ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और तू खड़ा खड़ा सुन रहे है। धिक्कार है तुझ पे। गेट आउट आई सेड, गेट आउट। ठीक है, यही है तेरी दोस्ती। लेकिन तू भी याद रखना, ये जो फ्रॉड फैमिली है ना, तुझे भी सड़क पे लेके आएगी, देखना। मैंने कहा गेट आउट। कौन है तू इधर? ये मेरा ही घर है। तू क्या कर रहा है इधर? बेटा तू क्या कर रहा है? बाप की इज्जत निकल जाएगी, मत खींच, मत खींच। इज्जत तेरी बची नहीं है, तू नीचे उतर। सुन सुन, मुझे मुझे एक बार अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका दे। मैंने तुझे कहा था कि इस घर में कदम मत रखना, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। देख देख, अबे होश में आ, तू क्या कर रहा है? होश में? होश में तुझे अभी हमेशा के लिए बेहोश करूंगा। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं चल बाहर निकल घर से। जब तक सच बाहर नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। चल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं।